नागपूर हिवाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या अजित पवार गुटमध्ये प्रवेशच्या आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसने अजितदादा पवार यांना लेटरद्वारे केलेली विनंतीला बघता सर्वीकडे फडणवीस यांची स्तुती होत आहे या विषयावर मुकेश यांनी खास बातचीत केली भाजपचे प्रदेश प्रवक्ता अजय पाठक यांच्याशी महाराष्ट्र में इन दिनों शीत सत्र चल रहा है जहां पर तमाम बडे नेता मंत्री सब नागपूर है इस बीच अगर बात की जाए कि नवाब मलिक की तो नवाब मलिक को जो कि उनके स्वास्थ्य के चलते बेल मिली है वो भी इन दिनों नागपुर में है और ऐसे में अगर उनको अजीत पवार गुट में अगर आना था लेकिन आ, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उनको एक चिट्ठी लिखी है और खत के जरिए अजीत पवार को एक रिक्वेस्ट किए एक कहीं ना कहीं एक पार्टी की छवि को बरकरार रखता है इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है महाराष्ट्र के प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अजय पाठक जी आइए उनसे बात करते हैं अजय जी क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये मामला उजागर हुआ है कि कहा जा रहा था कि जो आरोप नवाब मलिक पर लगे हैं और जिसके बाद में उन्होंने जिस रीज़न पर बेल मिली हुई है लेकिन अचानक देवेंद्र फडणवीस का एक खत जाता है क्या बया कर नहीं अचानक खत्म नहीं जाता है देखिए ये भारत की संप्रभुता का मामला है जिस आदमी के ऊपर देशद्रोह का मामला हो दाऊद से के साथ मिलने का मामला हो दाऊद की संपत्ति को खरीदने का मामला हो तो देवेंद्र जी ने जो किया आदरणीय देवेंद्र जी ने जो पत्र लिख करके दिया ये सभी की भावनाएं प्रकट किया उन्होंने पूरे देश की ये भावना है पूरे देश की यही भावना है जो देवेंद्र जी ने लिख करके पत्र में दिया कि इस तरह से किसी देशद्रोही को आप अपनी गुट में अपनी पार्टी में नहीं ले सकते जिसका गठबंधन हमारे साथ है ऐसे लोगों को दूर ही रहना उचित रहेगा ये देवेंद्र जी ने साफ साफ मैसेज दिया है और जो डीसीएम साहब ने बोला है उनकी भावना से पूरा देश अवगत है पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है अगर उन्हें इस आरोप से बरी भी किया जाता है तब अजीत पवार उन्हें अपने गुट में ले सकते हैं तब तो वो महायुति का भी ये बन सकते हैं ऐसा भी उन्होंने कहा नहीं अजीत पवार जी उनको लेते हैं या नहीं लेते हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है लेकिन गठबंधन के साथ ये डीसीएम साहब ने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे वो ये एक देशद्रोह का मामला है अब देशद्रोह के मामले पे जिसके ऊपर इस तरह का मामला चल रहा हो ऐसे व्यक्ति को हम अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर सकते ये एक क्लियर इंडिकेशन है और ये देश का मामला है ये किसी व्यक्ति का मामला नहीं है जिसने जो व्यक्ति दाऊद के साथ मिला हो जो दाऊद की संपत्ति खरीदा हो जिसका लेन देन दाऊद से रहा हो ऐसे व्यक्ति को बीजेपी कभी स्वीकार नहीं कर सकती और आपने देखा कि देवेंद्र जी का लेटर जैसे ही देवेंद्र जी ने ये लेटर लिखा करोड़ों करोड़ लोगों ने उसको शेयर किया करोड़ों लोगों ने उस लेटर को शेयर किया इसका मतलब ये ये जताता है कि ये भावनाएँ सबकी देवेंद्र जी के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि ऐसे पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं जहाँ पर इस तरह की शालीनता है देखिए हम तो हमें तो अपने नेता पे नाज है हमारा नेता हमारे लिए सब कुछ है जिस प्रकार से उन्होंने उन्होंने जिस प्रकार से एक स्टैंड लिया है इसके लिए सिर्फ हमारे कार्यकर्ता नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा है इस स्टैंड के साथ देवेंद्र जी के पूरा देश खड़ा है वो हमारे नेता हैं वो सभी के नेता हैं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता आज उनके साथ खड़ी है इस भावना के साथ हम सभी लोग उनके साथ हैं ये स्टैंड जब लिया गया तो क्या ये उदाहरण पेश करता है बाकी पार्टियों के लिए कि इस तरह से ही राजनीति होनी चाहिए बिल्कुल देवेंद्र जी जो भी देवेंद्र जी जो भी काम करते हैं वो एक उदाहरण ही है एक उदाहरण ही पेश करते हैं वो पाँच साल सरकार चलाए तो भी एक उदाहरण है अभी वो डीसीएम डीसीएम सा है तो भी एक उदाहरण है।, है, तो है वो सब कुछ हमारे कार्यकर्ता तो पूरी तरह से उनके प्रति उनके कामों के प्रति समर्पित है हम लोग तो उन्हीं को देख करके सब कुछ सीखते हैं शीत सत्र चल रहा है उसमें किसान आत्महत्या है और बाकी के अन्य जो सवाल है किसानों की नुकसान भरपाई को लेकर जो कि मुआवजे की मांग की जा रही विपक्ष कहीं ना कहीं उन पर हावी होता नज़र आ रहा है रोजाना बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं विरोधी विरोधी पक्ष काफ़ी आक्रामक भूमिका निभा रहा है क्या कहें विरोधी पक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है विरोधी पक्ष सिर्फ हल्ला करने के लिए संसद में विधान परिषद और विधानसभा में आता है उसको अगर किसानों की चिंता है तो आकर के यहाँ बैठ करके चर्चा करनी चाहिए चर्चा करके अपनी मांगों को टेबल करना चाहिए वहाँ पे उसके लिए जो प्राविधान है सरकार तो हमारी किसानों की ही बनी हुई सरकार है किसान के लिए ही सबसे ज्यादा काम करती है तो किसान के लिए काम कर रही है अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री खुद स्वयं जा के देख करके आए कि किसानों के किस तरह से नुकसान हुआ है उनकी एक एक पाई की भरपाई की जाएगी विपक्ष सिर्फ हल्ला करने के लिए आता है और हल्ला ही करने का काम है उसका कोई विधानसभा में कोई काम करने के लिए नहीं आता है बेमौसम बारिश का माहौल है आ, किसानों की भी कई कई मांगे आ रही है क्या सरकार जल्दी मदद कर पाएगी सरकार मदद कर रही है सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है किसी का जो भी नुकसान नुकसान हुआ उसकी नुकसान की सरकार पूरी भरपाई करेगी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अजय पाठक जी से बात हो रही थी महाराष्ट्र में शीत सत्र चल रहा है और शीत सत्र के दौरान जिस तरह से जो खबरें जो बाहर आ रही जैसे नवाब मलिक का मुद्दा हुआ किसान आत्महत्या हुआ किसानों को नुकसान भरपाई की अगर मांग की जाएगी तो उन सारे चीज़ों पर उन्होंने अपनी बेखौफ राय रखी 2024 जिस तरह से लड़ा जाएगा लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव हो गए वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को सफलता मिलेगी ऐसा उन्होंने विश्वास जताया हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा जो प्रधानमंत्री जो मिला है देश के लिए काफ़ी भाग्यशाली है कैमरा पर्सन रोशन बोखड़े के साथ मुकेश यड़ाव वी न्यूज़ नागपुर